दिल्ली गैंगरेप मामले में दोषियों को फांसी दिए जाने को लेकर इन दिनों गहमा गहमी जारी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फांसी की प्रक्रिया कैसे होती है और फांसी वाले दिन क्या क्या होता है? भारत की 30 से ज्यादा जेलों में फांसी का तख्ता है, यानी यहाँ फांसी देने का इंतजाम है। हर राज्य का अपना अलग जेल मैनुअल होता है। दिल्ली के जेल मैनुअल के मुताबिक फांसी से पहले मुजरिम को 14 दिन का वक्त दिया जाता है ताकि वो चाहे तो अपने परिवार वालों से मिल ले और मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर ले। जेल में उनकी काउंसलिंग भी होती है। अगर कैदी अपनी विल तैयार करना चाहता है तो इसके लिए उसे इजाजत दी जाती है। इसमें वो अपनी अंतिम इच्छा लिख सकता है। अगर मुजरिम चाहता है कि उसकी फांसी के वक्त वहाँ पंडित, मौलवी या पादरी मौजूद हों तो जेल सुपरिटेंडेंट इसका इंतजाम कर सकते हैं। कैदी को एक स्पेशल वार्ड की सेल में अलग से रखा जाता है। फांसी की तैयारी की पूरी जिम्मेदारी सुपरिटेंडेंट की होती है। वो सुनिश्चित करते हैं कि फांसी का तख्ता, रस्सी, नकाब समेत सभी चीजें तैयार हों। उन्हें ये भी देखना होता है कि फांसी का तख्ता ठीक से लगा हुआ है, लीवर में तेल डला हुआ है, सफाई करवानी होती है। ये भी देखना होता है कि रस्सी ठीक हालत में है या नहीं। फांसी से एक दिन पहले शाम को फांसी के तख्ते और रस्सियों की फिर से जांच की जाती है। रस्सी पर रेत के बोरे को लटकाकर देखा जाता है जिसका वजन कैदी के वजन से 1.5 गुना ज्यादा होता है। फांसी हमेशा सुबह सुबह ही होती है और इसका समय महीने के हिसाब से तय है। सुपरिटेंडेंट और डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट फांसी के तय वक्त से कुछ मिनटों पहले ही कैदी के सेल में जाते हैं। सुपरिटेंडेंट पहले कैदी की पहचान करता है कि वो वही है जिसका नाम वारंट में है। फिर वो कैदी को उसकी मातृभाषा में वारंट पढ़कर सुनाता है। उसके बाद सुपरिटेंडेंट की ही मौजूदगी में मुजरिम की बातें रिकॉर्ड की जाती है। फिर सुपरिटेंडेंट जहां फांसी दी जानी है वहां चले जाते हैं। डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट सेल में ही रहते हैं। उनकी मौजूदगी में मुजरिम को काले कपड़े पहनाकर उसके हाथ पीछे से बांध दिए जाते हैं। अगर उसके पैर में बेड़ियां हैं तो वो हटा दी जाती हैं। फिर आता है वो पल जब मुजरिम को फांसी के तख्ते की तरफ ले जाया जाता है। उस वक्त डिप्टी सुपरिटेंडेंट, हेड वार्डन और 6 वार्डन उनके साथ होते हैं। 2 वार्डन पीछे चल रहे होते हैं, 2 आगे और एक एक तरफ से मुजरिम की बांह पकड़ी जाती है। मुजरिम फांसी वाली जगह पहुंचता है, उस जगह सुपरिटेंडेंट, मजिस्ट्रेट और मेडिकल ऑफिसर पहले से ही मौजूद होते हैं। सुपरिटेंडेंट मजिस्ट्रेट को बताता है कि उन्होंने कैदी की पहचान कर ली है और उसे वारंट उसकी मातृभाषा में पढ़कर सुना दिया है। कैदी को फिर हैंगमैन यानी जल्लाद के हवाले कर दिया जाता है। अब अपराधी को फांसी के तख्ते पर चढ़ना होता है और उसे फांसी के फंदे के ठीक नीचे खड़ा किया जाता है। उस वक्त तक वार्डन उसकी बाहें पकड़े रखते हैं। इसके बाद जल्लाद उसके दोनों पैर टाइट बांध देते हैं और उसके चेहरे पर नकाब डाल दिया जाता है। फिर उसे फांसी का फंदा पहनाया जाता है। जिन्होंने बाहें पकड़ रखी थी अब वो वार्डन पीछे हो जाते हैं। फिर जैसे ही जेल सुपरिटेंडेंट इशारा करते हैं, हैंगमैन यानी जल्लाद लीवर खींच देता है। इससे मुजरिम जिन 2 फट्टों पर खड़ा होता है वो नीचे वेल में गिर जाते हैं और मुजरिम फंदे से लटक जाता है। रस्सी से मुजरिम की गर्दन जकड़ जाती है और धीरे धीरे वो मर जाता है। बॉडी आधे घंटे तक लटकती रहती है। आधे घंटे के बाद डॉक्टर उसे मरा हुआ घोषित कर देते हैं। उसके बाद उसकी बॉडी को उतार लिया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद मुजरिम की बॉडी परिवार वालों को सौंप दी जाती है। अगर कोई सुरक्षा कारण है तो जेल सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी में शव को जलाया या दफनाया जाता है। फांसी की सजा पब्लिक हॉलीडे यानी सरकारी छुट्टी के दिन नहीं होती,